गुड मॉर्निंग साथियों, तो फिर से आपका स्वागत है पवित्र सीक्रेट के ज़बरदस्त नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बम्पर रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी निकली है उसमें इन लोगों को 2000 HAL को 2000 जो है वो लोग चाहिए, इंडियन सिटीजन चाहिए फॉर द अप्रेंटिस एंड फैकल्टी जॉब्स। तो इसकी डिटेल पे क्विकली मैं आपको लेके चलता हूँ और मेरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो हम चलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट, और इसमें जो जॉब टाइप है वो है गवर्नमेंट जॉब। एडवर्टाइजमेंट नंबर में एक बार बोल देता हूँ, F-TTI-M-Panel-Faculty-902-2020। पोस्ट क्या है? दो पोस्ट हैं साथियों, अप्रेंटिस फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम पहला, दूसरा है विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। तो ये बेसिकली ITI डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बम्पर ओपनिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए भी ये बम्पर ओपनिंग है जो रिटायरमेंट के बाद घर पर बैठे हैं, वो HAL में जाकर और पढ़ाकर जो है अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। डिटेल्स में अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जॉब लोकेशन क्या रहेगी? हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जहाँ मैं नौकरी करूँगा उस वो लोकेशन क्या है। वो लोकेशन है इस भारत देश का बहुत ही बढ़िया शहर बेंगलोर। तो बेंगलोर और उसके आसपास रहने वालों के लिए तो ये वैकेंसी एक तरह से कह सकते हैं छप्पर फाड़ कर ये कैंडिडेट्स के लिए आई है। 2000 वैकेंसीज़ हैं। नोटिफिकेशन डेट 13 अगस्त आज हुई है साथियों, 17 अगस्त यानी कि 4 दिन पहले ये वैकेंसी ओपन हुई है। लास्ट डेट क्या है इस वैकेंसी की? 5 सितंबर 2020। ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर जाकर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है एंड देन एक ईमेल आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे ये आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है। ऑफिशियल वेबसाइट है HAL-India-Co.in, सिंपल HAL-India.co.in। HAL रिक्रूटमेंट 2020। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन साथियों जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकता है और कौन जो है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकता है, यानी फैकल्टी HRD प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जिसने डिप्लोमा डिग्री इन द रेस्पेक्टिव एरिया फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड विद ए मिनिमम ऑफ कितने साल का एक्सपीरियंस? 10 साल का एक्सपीरियंस। अगर सपोज़ करिए कि आप इलेक्ट्रिकल में उनको रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया हुआ या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ है प्लस साथ ही आपका 10 साल मिनिमम 10 साल का अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके लिए फैकल्टी जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस यानी सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए डिग्री डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव एरिया होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 or 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिवली इन द फील्ड, या फिर NTC/NSE इन द ट्रेड विद 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन केस ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस प्रोग्राम। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ए कैंडिडेट विद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, जिसके पास CIC का सर्टिफिकेट है अगर उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो साथियों, और इसको अप्लाई किस तरह से करना है कि आपको जो है एक बायोडाटा फॉर्म है जो कि HAL की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वेबसाइट मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, वहाँ जाके आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। उसमें डाउनलोड करके किस तरह से उसको भरना ये भी मैं एक सिंपल आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आपको फिलअप द रिक्वायर्ड कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन डिटेल, ETC। मेल आईडी की साथियों आजकल हर जगह ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो कृपया एक जीमेल अपना बहुत ही ईजी और तुरंत से खुल जाने वाला मेल आईडी होता है जीमेल का, उसमें जाके अपना एक मेल आईडी जनरेट कर लें, ये सब डाटा फिल कर दें। वैलिड मेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, हर जगह पर ये दोनों चीज़ें आजकल आवश्यकता होती है। उसके बाद
आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की वो भर देनी है, एंड देन उसको एक बार अच्छे से पढ़ के कि मैंने जो भरा है वो सही भरा है, क्योंकि वो आपका थॉरली चेक करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, बहुत ही बारीकी से आपके क्रेडेंशियल और की सच्चाई की जाँच की जाएगी। पॉइंट्स टू नोट फॉर हेल रिक्रूटमेंट, क्या आपको पॉइंट्स क्या नोट करने हैं? द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड सब्जेक्ट नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। क्यों? क्योंकि टीचिंग का जॉब है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा जिनको आप पढ़ा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ में, या जो भी आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ में अगर आपका लिंक नहीं होगा, तो फिर कैसे आप एक इफेक्टिव टीचर या ट्रेनर हो पाएंगे? ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर सेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जब वो आपको डैमो के लिए बुलाएंगे, भाई इस सब्जेक्ट के आप मास्टर हैं, आपने बायोडाटा में लिखा है, अब आप इस पर डैमो दीजिए, तो आपको 2 से 2 आवर से लेकर 6 आवर तक का वो आपसे टाइम ले रहे हैं कि भाई इतना हमें लगेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम शेड्यूल। और जो रेम्यूनरेशन है जो आप जानना चाहते हैं कि भाई कैटेगरी 1 में, तो वो मिलेगा साथियों 550 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, यानी अगर आपने 2 सेशन भी एक दिन के लिए तो आपके 1100 रुपये हो गए। तो जो बंदे 10 साल एक्सपीरियंस के बाद अगर कोरोना काल में अगर किसी की जॉब चली गई है, तो वो भी इसको अप्लाई करके अपनी एक इनकम शुरू कर सकते हैं, या जो व्यक्ति रिटायर हैं ले और उनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है ही 10 साल का मिनिमम, तो वो भी अपना इस तरह से कैरियर को फिर से एक स्टार्ट कर सकते हैं और जाके 1 या 2 घंटे पढ़ा सकते हैं। और जो सेकेंड कैटेगरी उसके लिए है रेम्यूनरेशन 225 पर आवर, और एम्पैनल फैकल्टी मेंबर सर्विस विल बी यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब वो कहेंगे भाई आप आइए सेशन देने, तब आपको जाना होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एज पर द नीड ऑफ HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो साथियों ये थी इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, और आप कृपया अगर इंटरेस्टेड हैं टीचिंग ट्रेनिंग कोचिंग के जॉब में और वहाँ पे ऐसे अप्रेंटिस ज्वाइन करना चाहते हैं HAL जैसी संस्था में, क्योंकि एक बार ज्वाइन करने के बाद और भी आयाम खुलते हैं, और भी रास्ते खुलते हैं, तो आप अगर खाली बैठे हैं, कोरोना काल है, तो आपको ज़रूर ये बायोडाटा फिलअप करके वहाँ देना चाहिए और वहाँ जाके आपको उनका मेंबर एम्पैनल मेंबर बनना चाहिए। तो साथियों ये थी जानकारी, और मेरे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसी से रिलेटेड ज़बरदस्त वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।